डियर स्टूडेंट्स, हम डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑफ पॉवर्टी चेक कर चुके हैं कि क्या हमें थ्रू सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से एंथ्रोपोमेट्रिक पे मूव करना है, वेलफेयर को यूज़ करना है, इनकम को यूज़ करना है, हमने कंजम्पशन को यूज़ करना है, एनर्जी इनटेक को यूज़ करना है। इन सब कुछ करने के बाद हम एक कंपैरिजन करते हैं कि कौन से इंडिकेटर्स हैं जो पॉवर्टी में सपोर्ट करते हैं और कौन से इंडिकेटर्स हैं जो पॉवर्टी में सपोर्ट नहीं करते। इसके लिए हम डिफरेंट वेलबींग के इंडिकेटर्स को कंपेयर करेंगे और फिर देखेंगे कि कौन से इंडिकेटर्स हैं वो पॉवर्टी में सपोर्टिव हैं और कौन से इंडिकेटर्स हैं जो पॉवर्टी में हमारे पास सपोर्टिव नहीं हैं। तो उसके कंपैरिजन के लिए एक कम्प्रिहेंसिव पिक्चर मैं आपके साथ शेयर करूँगा, जिसमें डिफरेंट कंट्रीज़ के इनकम का लेवल हमारे पास होगा, पॉवर्टी का लेवल होगा, लेकिन पॉवर्टी उनकी नेशनल पॉवर्टी लाइन के अकॉर्डिंग होगी। इसी तरह $2 आर डे पे भी हमें डेटा मिल जाएगा। इस तरह फीमेल लिटरेसी पे हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी, ये फीमेल लिटरेसी एंड फीमेल इलिटरेसी। हमें चाइल्ड हेल्थ पे कुछ इंडिकेटर मिलेंगे, हमें फीमेल एजुकेशन पे इंडिकेटर मिलेंगे। इन सब को जब हम कंपेयर करेंगे तो ये चंद एक इंडिकेटर होंगे। इसके अलावा हम एक ज़्यादा वराइटी को लेके वराइटी ऑफ इंडिकेटर फिर देख सकते हैं कि अगर कंट्री की सस्टेनेबिलिटी को हमने इंश्योर करना है, पॉवर्टी को एलिवेट करना है और इनइक्वालिटी को इंश्योर करना है, तो किन किन इंडिकेटर की तरफ हमें मूव करना पड़ेगा। तो उसके लिए ये टेबल आपको एक पिक्चर देगा जो बता रहा है कि जीडीपी पर कैपिटा। अब जीडीपी पर कैपिटा में आप लोग देख रहे हैं कि हमारे पास वैरायटी है कि $260 से शुरू करके कोई आपके पास जो मैक्सिमम है वो 2390 तक जा रही है। इसके बाद हमारे पास परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन एंड पॉवर्टी लाइन इज देयर नेशनल पॉवर्टी लाइन, देन फीमेल लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात हो रही है, देन प्रिविलेंस ऑफ चाइल्ड मालन्यूट्रिशन की बात हो रही है कि मालन्यूट्रिशन में तो नहीं आ रहे, देन फीमेल अडल्ट इलिटरेसी की बात हो रही है, नॉट लिटरेसी बट इलिटरेसी की बात हो रही है। अब जनरली स्पीकिंग हम ये कहते हैं कि इनकम ज़्यादा होने से पॉवर्टी कम होती है और इनकम कम होने से पॉवर्टी ज़्यादा होती है, लेकिन जिस वक्त हम इन इंडिकेटर को देखते हैं तो यहाँ पे कहीं कहीं ये ठीक साबित हो रहा है। लाइक इन केस ऑफ कंबोडिया, इसकी इनकम बहुत कम है लेकिन यहाँ पे पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है। लेकिन इसी के साथ पैरो का आपको नज़र आ रहा है कि इसकी इनकम हाईएस्ट है लेकिन इसकी पॉवर्टी भी हाईएस्ट है। इसका मतलब ये है कि इनकम सिर्फ इनफ नहीं है हमें पॉवर्टी को एंश्योर करने के लिए, उसके लिए हमें बाकी इंडिकेटर पे भी रिलाई करना पड़ेगा। अब बाकी इंडिकेटर में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं उनको हम देखते हैं, लाइक फीमेल अडल्ट इलिटरेसी। जहाँ पे फीमेल ज़्यादा इलिटरेट होंगी वहाँ पे पॉवर्टी ज़्यादा होगी, जहाँ पे फीमेल लिटरेट ज़्यादा होगी वहाँ पे पॉवर्टी कम होगी। अब हमारे पास बांग्लादेश है, बांग्लादेश में फीमेल इलिटरेसी बहुत ज़्यादा है लेकिन उसके साथ वहाँ पे पॉवर्टी का नंबर भी मैक्सिमम आपको नज़र आ रहा है। इसी तरह जिन कंट्रीज़ में फीमेल इलिटरेसी कम है, लाइक हमारे पास कंबोडिया का नंबर आ रहा है, कंबोडिया में आप लोग ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि ओनली 9% फीमेल आर इलिटरेट, बाकी सारी पढ़ी लिखी हैं। पॉवर्टी फीमेल की लिटरेसी बहुत ज़्यादा है, इलिटरेसी कम है, जिसकी वजह से वहाँ के पॉवर्टी का नंबर भी कंपेरेटिवली कम है। इसी तरह आप देख रहे हैं कि हमारे पास मोरक्को का आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, जहाँ पर फीमेल अडल्ट इलिटरेसी बहुत हाई है लेकिन उसके साथ पॉवर्टी का नंबर भी कंपैरेटिवली ज़्यादा है। तो इसलिए इसके साथ हम सेकेंडली हम इसको फीमेल एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ के साथ कंपेयर कर सकते हैं, देन प्रिविलेंस ऑफ चाइल्ड माल न्यूट्रिशन की बात कर सकते हैं कि कितने परसेंट बच्चे हैं जिनकी न्यूट्रिशन पूरी नहीं हो रही। उसमें आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो मैक्सिमम नंबर है बांग्लादेश में आपको नजर आ कि 56% जो बच्चे हैं उनकी न्यूट्रिशन पूरी नहीं हो रही, इसलिए वहां पर अगर बांग्लादेश की पॉवर्टी 35% है, मैक्सिमम एक हाईएस्ट नंबर है, इट इंडिकेट्स कि ये फीमेल इलिटरेट हैं इसलिए हो रही है, बच्चों की हेल्थ फैसिलिटीज पूरी नहीं हो रही इसलिए हो रही है, और फीमेल लाइफ एक्सपेक्टेंसी नहीं मिल रही इसलिए हो रही है। ये इसके फैक्टर्स हो सकते हैं। लेकिन इसी के साथ अगर हम जॉर्डन को कंपेयर करें, उसमें आपको नजर आ रहा है कि फीमेल इलिटरेसी बहुत थोड़ी है, ओनली 17%, सिर्फ 5% बच्चे हैं, 2000 नरिश एंड 73% फीमेल लिटरेसी, कि फीमेल की लाइफ एक्सपेक्टेंसी हाईएस्ट है इन स्टेटिस्टिक्स में,
कि 73% उनकी फीमेल को एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि ये जिंदगी के 75 ईयर्स ये गुजारेंगे, लेकिन वहां पे पावर्टी बहुत कम है। इसलिए जब हम पावर्टी को डिटरमिन करते हैं तो उसके लिए फीमेल लाइफ एक्सपेक्टेंसी, अब फीमेल लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है ये एक इंडिकेटर नहीं है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी को ज्यादा करने का मतलब ये है कि उसको हेल्थ फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, उसको डॉक्टर तक एक्सेस है, उसको अच्छी न्यूट्रिशन मिल रही है, ये इंडिकेट करती है। चाइल्ड हेल्थ को जब हम डिस्कस करते हैं तो चाइल्ड हेल्थ में भी ये आता है कि चाइल्ड हेल्थ अच्छी है तो इसका मतलब है मेटर्नल हेल्थ भी अच्छी है, चाइल्ड हेल्थ अच्छी नहीं तो समझो मेटर्नल हेल्थ अच्छी नहीं है, मेटर्नल हेल्थ अच्छी नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि माँ के पास नहीं, नो, इसका मतलब है कि माँ के पास हेल्थ फैसिलिटीज नहीं है। अब माँ के पास जब हेल्थ फैसिलिटीज और प्रॉपर फूड नहीं होगा तो उससे बच्चे की सेहत भी अच्छी नहीं होगी, और इन सब को जो लीड करेगा वो फीमेल इलिटरेसी है। अगर फीमेल लिटरेट हो, पढ़ी लिखी होगी, तो ऑटोमेटिकली उसको पता होगा कि कैसे सर्वाइव करना है, फूड क्या लेना है, बच्चे की केयर कैसे करनी है, बच्चे की एजुकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है। वो नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था ना कि आप मुझे पढ़ी लिखी खवातीन दें, मैं तुम्हें पढ़ी लिखी जनरेशन दूंगा। क्यों? क्योंकि वो बच्चों की सिर्फ एजुकेशन पे फोकस नहीं करती, वो बच्चे की हेल्थ पे भी फोकस करती है, सिर्फ हेल्थ पे फोकस नहीं करती, वो बच्चे की क्वालिटी ऑफ लाइफ पे भी फोकस करती है। इसके लिए मैंने अपना एक रिसर्च पेपर लिखा था और उसका ऑब्जेक्टिव ये था कि क्या मेल की एनरोलमेंट या पार्टिसिपेशन इन इकोनॉमिक एक्टिविटी और फीमेल की पार्टिसिपेशन क्या ह्यूमन डेवलपमेंट में रोल प्ले करती है। तो उसकी फाइंडिंग्स ये आई कि जिन कंट्रीज में फीमेल की पार्टिसिपेशन बढ़ती है वहाँ पर ह्यूमन डेवलपमेंट ज़्यादा स्पीड के साथ बढ़ता है, और जिन कंट्रीज़ में सिर्फ मेल की एनरोलमेंट बढ़ती है, मेल की पार्टिसिपेशन जॉब मार्केट में बढ़ती है, वहाँ पर ह्यूमन डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ता। क्योंकि मेल के पास अगर उसको इनकम दो तो मेल की प्रायोरिटीज़ डिफरेंट होंगी, मेल उसको कंजम्पशन पे यूज़ करेगा, बड़े घर में यूज़ करेगा, गाड़ी में यूज़ करेगा। फीमेल को इनकम दो तो फीमेल बच्चे की हेल्थ पे लगाएगी, फीमेल बच्चे की एजुकेशन पे लगाएगी, फीमेल बच्चे की क्वालिटी ऑफ लाइफ पे लगाएगी।